डाउन होता जा रहा है, मीन्स एक लेवल आएगा जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस यदि जीरो हो गया तो सेमीकंडक्टर भी किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, मैक्सिमम अमाउंट में उससे भी क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो इन दोनों प्रोसेस से ठंडा करके और गर्म करके क्या बनाए जा रहे होते हैं, सुपर कंडक्टर बनाए जा रहे होते हैं। इस पर बच्चों विशेष रूप से रिसर्च चल रहा है, इनका जो प्रणेता है, इनके जो पिताजी हैं, पिताश्री है, पितामह है, वो डॉक्टर कैमरलिंग ऑन्स हैं। कैमर लिंग ऑन्स हैं, कैमर लिंग ऑन्स ने ही डिस्कवरी करा है किसके बारे में बच्चों, सुपर कंडक्टर के बारे में। सुपर कंडक्टर के बारे में भी विशेष रूप से रिसर्च ही चल रहा है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि जिस मटेरियल से एक बार मटेरियल से पूरा करंट पास कर जाते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में करंट पास कर जाते हैं, मीन्स रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो उस मटेरियल से कई दिनों और कई सप्ताह और महीनों तक दोस्तों क्या फ्लो होते रहता है, करंट फ्लो होते रहता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कर सकते हैं। इस पर एक बेहद विशेष रूप से रिसर्च चल रहा है, लेकिन फिलहाल आपके नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है कि मटेरियल जो है हमारे विथ रिस्पेक्ट टू करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के रिस्पेक्ट में चार तरीका से प्रोपेगेट किए गए हैं, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमी कंडक्टर और चौथा क्या, सुपर कंडक्टर। मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, जैसे ये बात मटेरियल आपको समझ में आ जाता है कि जिससे वो जो पास करेगी वो करंट क्या हो रहा होता है, तो मैं आपके लिए बस अब जो है अब नोट कर लीजिए, थोड़ा सा सिंपल सा वर्ड कुछ कुछ लिखा हुआ है उसे देखिए, उसके बाद मैं आपके लिए दूसरे वीडियो को लेकर आता हूँ।